हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो ईशा और राहुल की कहानी का पार्ट टू है, जिसका पार्ट वन मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप उसका पार्ट वन सुन सकते हैं, उसके बाद पार्ट टू सुनना, तब आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो कहानी का जो एंड हुआ था उसमें वो यहाँ पे था कि जो राहुल था वो ईशा के घर गया था उसके पापा से अपनी शादी की बात करने के लिए। तो राहुल ने फिर ईशा के पापा को बताया कि मैं ईशा से शादी करना चाहता हूँ। फिर ईशा के पापा ने ईशा से पूछा कि क्या ये सच बोल रहा है। तब ईशा ने भी राहुल का साथ दिया और बोला कि हाँ पापा, ये सच कह रहा है। हम लोग कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। पर ईशा के पापा जो थे उन्होंने ईशा की शादी इसी बीच कहीं और तय कर दी थी, जिसका पता ईशा को भी नहीं था। उन्होंने भी अपने घर पे बताया नहीं था कि उन्होंने ईशा की शादी कहीं और तय कर रखी है। उन्होंने बोला कि बेटा अब ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दी है और मैं उसको जवान दे चुका हूँ, तो मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। अब ये बात सुन के राहुल और ईशा दोनों बहुत परेशान हो गए। राहुल ने ईशा के पापा को बोला कि अंकल, मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ आप हम दोनों को अलग मत कीजिए, वैसे भी हम लोगों ने बहुत टाइम इंतज़ार किया है इस दिन के लिए और अब आप मना कर रहे हो, प्लीज़ मान जाइए। ईशा ने भी अपने पापा को बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ पापा मान जाइए, पर ईशा के पापा भी मजबूर थे क्योंकि वो अपनी जवान दे चुके थे, जिससे वो मुकर नहीं सकते थे। फिर राहुल ने ईशा के पापा को समझाया कि अंकल जी, एक बात बताइए, आपकी जवान की ज़्यादा कीमत है या जान की? आप ईशा की शादी किसी और से कर देंगे तो मैं नहीं जी पाऊँगा और ईशा भी उस लड़की के साथ बिल्कुल खुश नहीं रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जवान की खातिर ईशा पूरी ज़िंदगी रो रो के गुजारे? ईशा के पापा को कुछ समझ आया, वो टेंशन में पड़ गए और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे टाइम दो सोचने का, मैं तुम लोगों को सोच के बताता हूँ कि क्या करना है। राहुल ईशा के घर से चला गया। ईशा के पापा ने सारी रात सोचा, फिर उसके बाद उन्होंने राहुल को दूसरे दिन फिर बुलाया और उससे पूछा क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? राहुल ने कहा आपकी बेटी की खुशी के लिए तो मैं इतने दिन आपकी बेटी से दूर रहा हूँ, ताकि उसे हर खुशी दे सकूँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ईशा के पापा ने कहा ठीक है, फिर तुम अपने मम्मी पापा को बुलाओ और शादी की बात करते हैं उनसे। फिर राहुल ने अपने मम्मी पापा को बुलाया और उनसे शादी की बात की, तो फिर उन लोगों की शादी तय हो गई। इधर ईशा के पापा ने जिनसे उनकी शादी, अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी, वो ईशा के पापा के दोस्त ही थे, तो उन्होंने समझाया उन्हें और माफ़ी मांगी, तो वो भी समझ गए कि चलो ठीक है, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अब ईशा की और राहुल की शादी की तैयारियां चल रही थी। इधर
ईशा को हल्दी लग रही थी और राहुल को। धीरे धीरे तैयारियां बढ़ती रहीं, फिर वो टाइम आया शादी का। शादी की जितनी भी रस्में होती हैं सब बहुत ही अच्छे ढंग से हुई और फिर उन दोनों की शादी। तो गाइस बस इतनी ही थी ये स्टोरी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पे, ताकि मैं जब भी कोई नई स्टोरी लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकें। थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।